नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मामला 29 मार्च का है, जब जरूरी सेवाओं का स्टिकर लगी 44 डीटीसी और क्लस्टर बसें को पुलिस ने विकास मार्ग पर रोका था। इन बसों में कामगार बैठे हुए थे। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वो अपने शहर की ओर जाने के लिए दूसरी बस पकड़ने आनंद विहार बस अड्डे जा रहे हैं। आपने देखी होगी तस्वीर आनंद विहार बस अड्डे की। इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज हुआ है शकरपुर थाने में। कोरोना के खौफ और रोजी रोटी की आसार नहीं देख दिल्ली से पलायन को मजबूर हुए प्रवासी कामगारों का मामला फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर हजारों की संख्या में दिल्ली के कामगारों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए DTC बसों के 44 ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार 29 मार्च को जब जरूरी सेवाओं का स्टिकर लगी 44 DTC और क्लस्टर बसों की पुलिस ने विकास मार्ग पर रोका था। इन बसों में कामगार बैठे हुए थे। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वो अपने शहर की ओर जाने के लिए दूसरी बस पकड़ने आनंद विहार बस अड्डे जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर एक FIR दर्ज हुआ है। जब पुलिस ने बस ड्राइवर से सवाल किया कि वो मजदूरों को लेकर बिना टिकट कैसे लेकर जा रहे हैं, तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ज़्यादातर ड्राइवर ने मामले को ऊपर से आदेश का हवाला दिया। ऊपर से आदेश होने के चलते वे मजदूरों को लेकर आनंद विहार बस अड्डे छोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन को देखते हुए बस ड्राइवर के साथ ही कंडक्टर और दिल्ली इंटीग्रल मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के हेड CK गोयल व अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। गौरतलब है कि कोरोना के खौफ के चलते हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार 29 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे थे और अपने अपने गांव की ओर जाने वाली बसों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान संक्रमण के खतरों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उनको समझाया था और अपने अपने घरों की ओर वापस जाने की अपील की थी। दोपहर से कामगारों का पहुँचने का सिलसिला रात तक जारी रहा। बाद में देर रात कामगारों की भीड़ में थोड़ी कमी आई थी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।